इवनिंग डियर फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट्स, आई डी एस यादव वेलकम यू वंस अगेन एट आर यूट्यूब चैनल डी एस इंग्लिश पाठशाला। एस यू नो दैट वी आर लर्निंग हाउ टू स्पीक इंग्लिश फॉर पास्ट फ्यू डेज एंड वी हैव स्टार्टेड एंड वी हैव कंप्लीटेड 14 चैप्टर्स इन ऑन वेरियस टॉपिक वेरियस काइंड ऑफ सेंटेंसेस। टूडे we are going to learn some different things. As you know that I am absent for 4 or 5 days, I am not giving any lecture, but today I am going to start again what I was teaching. So guys, I beg your pardon for being absent. So today how to ask sorry somebody, we are going to learn that kind of things. There are so many different kind of points, different kind of phrases we can use. So how to say sorry means sorry कहने के लिए अलग अलग प्रकार की जो phrases हैं उनको हम अभी सीखते हैं और उसके अलावा भी हम बहुत सारी चीजें सीखेंगे। So let's learn, let's begin. Here we go with some phrases how to say sorry. So guys, first phrase is excuse me, excuse us, excuse him, excuse her. So when we should say this kind of phrase, so wherever we are sneezing, like छींक रहे हैं, जब भी हम छींकते हैं तो हम sorry बोलते हैं, क्योंकि हम किसी को interrupt करते हैं तो हम कहेंगे excuse me। जब भी हम कोई enter कहीं भी room में enter करेंगे, room में enter करने पर जब उसका ध्यान हमारे ऊपर नहीं होता है attention, तो हम उसको ध्यान दिलाने के लिए हम excuse me बोलते हैं। या फिर जब हम एक से अधिक होते हैं तो सभी के लिए बोलेंगे तो एक्सक्यूज अस। तो आपने कई मूवीज देखी होगी, उन मूवीज में कुछ स्टूडेंट्स वगैरह जब प्रिंसिपल के रूम में जाते हैं, एक जाएगा तो एक्सक्यूज मी, एक से अधिक होंगे तो एक्सक्यूज अस। सो यू कैन यूज दिस काइंड ऑफ फ्रेज व्हेन एवर यू आर इंटरप्टिंग समवन। देयर इज अनदर फ्रेज, हाउ केयरलेस ऑफ मी। ये फ्रेज आप ऐसे यूज कर सकते हैं, यार जब भी आपने कोई फोल्ड कर दी, गलती कर दी, तो यार मैं कितना लापरवाह हूँ, हाउ केयरलेस ऑफ मी सॉरी, हाउ केयरलेस ऑफ मी सॉरी। या हम यू भी कह सकते हैं गलत बात बोल दी तो हाउ थॉटलेस ऑफ मी, हाउ थॉटलेस ऑफ मी। हम यू भी कह सकते हैं यार कितना पागल हूँ, हाउ स्ट्यूपिड ऑफ मी। मतलब इस प्रकार से हम इन फ्रेजेस को यूज कर सकते हैं। देयर इज अनदर फ्रेज, आई अपोलोजाइज, दिस इज वेरी सिंपल फ्रेज, मैं आपसे माफी मांगता हूँ, क्षमा मांगता हूँ, आई अपोलोजाइज। देन देयर इज अनदर, आई होप यू कैन फॉरगिव मी, या यू भी कह सकते हो आई होप यू कैन फॉरगिव माई मिस्टेक, माई फॉल्ट। फॉरगिव मींस होता है क्षमा करना, ओके। देन देयर इज, इसको फॉरगिव नहीं पड़े, फॉरगिव। देयर इज अनदर फ्रेज, आई ओ यू एन अपोलोजी फॉर माई रिएक्शन। जैसे मैंने कुछ आपको गलत कह दिया या कुछ मतलब कोई ऐसा बात हो गई जिससे आप हर्ट हो गए हो, सो आई ओ यू, आई ओ यू, आई ओ यू, या आई ओ यू एन अपोलोजी फॉर माई रिएक्शन, फॉर माई मिस्टेक, फॉर माई फॉल्ट। देयर इज अनदर फ्रेज, आई वॉज रॉन्ग ऑन दैट। हम एक्सेप्ट करते, आई एक्सेप्ट, आई वॉज रॉन्ग ऑन दैट, मतलब मैं उस बात पर गलत था, सॉरी। देयर इज अनदर फ्रेज, पार्डन मी। मोस्टली जो पीपल होते हैं वो ये सिंपल सा वर्ड इस्तेमाल कर लेते हैं, पार्डन। पार्डन मी ना बोले तभी पार्डन, और ऐसे भी कह सकते हैं आई बेग योर पार्डन। जैसा कि मैंने आज स्पीच शुरू किया था, दैट टाइम आई यूज्ड दैट फ्रेज, आई बेग योर पार्डन। देयर इज अनदर फ्रेज, आई टेक फुल रेस्पॉन्सिबिलिटी, मींस व्हाट आई कमिटेड मिस्टेक, सो आई एम टेकिंग फुल रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉर दैट, सॉरी। एंड देयर इज अनदर सिंपल वे यू ऑलवेज यूज सॉरी। सो दिस काइंड ऑफ फ्रेजेस वी कैन यूज when we have committed mistakes. Guys, one more thing, you have to speak like that. जब आप कोई गलती कर देते हैं तो आप accept करते हैं, I admit my mistake. Excuse me, how careless of me, I apologize, I hope you can forgive me, I owe you an apology for my reaction, I was wrong on that, pardon me, I beg your pardon, I take full responsibility and sorry. These are some phrases. Guys, after learning how to say sorry, so we are going to learn how to deny, how to prohibit somebody
when somebody is committing wrong doings, okay, somebody is doing wrong, so कोई गलती कर रहा है, कुछ गलत कर रहा है, तो हम उसको मना करते हैं कि ऐसा मत करो. That time we use do not. Either we use do not or don't. Don't is abbreviated form of do not. Don't, do not के short form होते don't. So guys, we can use bully others. Bully others means किसी दूसरे के ऊपर दादागिरी दिखाना. तो don't bully others, किसी के ऊपर दादागिरी मत दिखाओ. Others, don't bully others. We can say another phrase, hide something. Hide means छुपाना. Do not hide something. Do not hide the cigarette. Do not hide the money. Do not hide anything else. So मत छुपाओ. Steal money means पैसा चुराना. Do not steal money. Do not steal pens. Do not steal books. Do not steal. So you can use. Okay. Then there is another phrase. Tell a lie. Tell a lie. झूठ बोलना. So do not tell a lie. Do not tell a lie. मतलब झूठ मत बोलिए. Shy away. Shy away means जी चुराना. From what? कार्य से जी चुराना. Do not shy away from what? So guys, these kind of phrases we can use when we want to say, we want to deny. Okay. Then if somebody goes to bed early, मतलब कोई जल्दी सो जाता है तो do not go to bed early. अगर कोई लेट से उठता है तो do not get up late. जैसे कोई पढ़ाई नहीं करता है और सो लापरवाही करता है, डोंट बी केयरलेस. डोंट बी केयरलेस. सो गाइस, दिस काइंड ऑफ फ्रेजेस वी कैन यूज व्हेन वी वांट टू डिनाई. गाइस, वी आर गोना लर्न सम मोर थिंग्स. दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग. ये आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग होगा. क्यों? क्योंकि ये कुछ मैंने एक्शन लिखे हैं. एक्शन, ये एक्शन मैंने इसलिए लिखे हैं कि देर आर सो मेनी स्टूडेंट्स, दे ऑलवेज ट्राई टू मेक देयर सेकेंड फॉर्म एंड थर्ड फॉर्म. So guys, you have to remember that these are irregular actions. ये irregular हैं, इनकी first form, second form and third form तीनों एक जैसी होती है. क्योंकि यहाँ पर जो irregularity होती है, ये regular forms नहीं होती है कि इनकी first form अलग हो, second form अलग हो, third form अलग हो. जैसे कि bat, bat में शर्त लगाना. First form bat, second form bat, third form bat. So you have to remember, I will describe all the things, but you have to remember that there is no second and third form of these verbs. First is bat, second is bid. Bid means, you know, bid means boli lagana. Okay, vinti karna hi hota hai. Cut, cut, cut. Put, put, put. Put means rakhna, cut means kaatna. Bust, bust means foot padna. Bust, bust, bust. Cast, cast means phailana ya dalna. Jaise cast the vote, vote dalna kya bolenge? Cast the vote. Cost means कीमत होना. Cost, cost, cost. Broadcast जानते हो, जैसे कोई भी चैनल जो होता है, कोई भी शो वगैरह दिखाता है, ब्रॉडकास्ट करता है. टेलीकास्ट, दैट इज सेम. टेलीकास्ट, टेलीकास्ट. फोरकास्ट, फोरकास्ट, फोरकास्ट. भविष्यवाणी करना. तो ध्यान देना, कास्ट, ब्रॉडकास्ट, टेलीकास्ट, फोरकास्ट. दिस इज वेरी इजी थिंग टू रिमेम्बर इट. फिट, फिट, फिट. फिट होना याद जानते. हिट, हिट, हिट. सेट, सेट, सेट. हर्ट, हर्ट मीन्स दुखी होना, चोट लग जाना. ओके, किसी को दुखी करना. हर्ट, हर्ट, हर्ट. स्प्लिट, स्प्लिट, एस पी एल आई टी. स्प्लिट होना मीन्स चिरना, मतलब फट जाना, चिरना. जैसे ये है पेन, तो इसमें से पैर चिर गया. ओके, स्प्लिट, स्प्लिट, स्प्लिट. देयर इज अनदर वर्ड, रीड. यहाँ पर आपको एक चीज याद रखनी है, इसके तीनों फॉर्म तो एक जैसी होती है, लेकिन प्रोनाउंसिएशन इज टोटली डिफरेंट. रीड, रेड, रेड. पढ़ना, रीड, छुटकारा पाना. रीड, रीड, रीड. क्विट, क्विट मीन्स छोड़ना, गिव अप करना. ओके, लेकिन यहाँ पर ध्यान रखना, इसके तीनों फॉर्म क्विट, क्विट, क्विट. लेकिन आपको कई बार क्विट, क्विटेड, क्विटेड भी मिल सकती है, तो बहुत आर करेक्ट. देयर इज अनदर वर्ड, अपसेट, अपसेट, अपसेट. अपसेट होना उदास होना. स्प्रेड, 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 मतलब फैलना. थर्स्ट मीन्स ठूंसना, किसी को जबरदस्ती किसी के अंदर बैठाना. थ्रस्ट, थ्रस्ट, थ्रस्ट. वेट मीन्स गीला. कई बार वेट की सेकंड फॉर्म एंड थर्ड फॉर्म वेटेड भी मिलती है, दैट इज ऑल्सो करेक्ट. शेड, वेट मीन्स गीला होना. शेड मीन्स छप्पर डालना है, छाया करना. शेड, शेड, शेड. सो दिस काइंड ऑफ वर्ब्स आर कॉल्ड इरेगुलर वर्ब्स. बट इन व्हाइल वी आर स्पीकिंग इन इंग्लिश, सो ऑलवेज कीप इन योर माइंड दैट दिस काइंड ऑफ वर्ब्स आर ऑलवेज यूज्ड एज एक्शन वन, एक्शन सेकेंड फॉर्म, एक्शन third form. So guys, it's enough for today. Thank you very much. Let's learn English and we are gonna learn some more various things tomorrow. So let's wait. Please subscribe the channel and share
among your friends and tell these things to your partners, your friends, your children, and I hope you are learning, you are enjoying English. Thank you very much again. Bye. Good night.